तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मूवीज के बारे में जिसके अंदर आपको कबड्डी देखने को मिलती है और वो पूरी की पूरी मूवीज भी कबड्डी पर बेस्ड है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कुछ 5 मूवीज के बारे में, साथ साथ ये बताऊंगा कि आप ये मूवीज कहाँ पर देख सकते हैं एंड टोटल सा डिटेल में रिव्यू भी देने वाला हूँ इस मूवी के बारे में। तो पहली मूवी हमारे सामने वो है छलांग। ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम पर मिल जाएगी देखने के लिए। तो इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि इसके अंदर एक करेक्टर होता है महेंद्र सिंह हुड्डा नाम से, जो कि एक स्कूल के अंदर पीटीआई होता है और वो काफ़ी एक लेजी पीटीआई होता है। उसको कुछ सिखाने का, बच्चों को कुछ खिलाने का कुछ ऐसे खास शौक नहीं होता है, बस वो अपना टाइम पास कर रहा होता है, अपनी सैलरी ले रहा होता है। तो साथ ही में उसके कॉम्पिटिशन में एक नया पीटीआई आता है जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट होता है उससे, काफ़ी स्किलफुल होता है उसके सामने। तो उन दोनों पीटीआईज के बीच में कॉम्पिटिशन होता है जॉब को लेकर कि जो जीतेगा वो आगे इस जॉब में रहेगा और दूसरा पीटीआई इस जॉब को छोड़ के चला जाएगा। तो दोनों पीटीआईज अपनी अपनी टीम बनाती है जिसके अंदर ये 3 गेम खेलते हैं, जिसके अंदर होती है आपकी एथलेटिक्स, बास्केटबॉल एंड कबड्डी। तो इस मूवी के अंदर कबड्डी अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ प्लेयर्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि एक्चुअल में कबड्डी प्लेयर है। तो इस मूवी के अंदर कबड्डी जो दिखाई गई है वो ओवर नहीं दिखाई गई है, जस्ट लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, इसके अंदर रियलिस्टिक वे के अंदर थोड़ी बहुत कबड्डी दिखाई गई है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में करियर बना रहे तो इस मूवी को जरूर देखिएगा, ये इंटरटेनिंग है, साथ ही साथ में इसके अंदर आपको कबड्डी भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो सेकंड मूवी है बदलापुर बॉयज़। ये मूवी आपको पूरी देखने को मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर। तो इस मूवी के अंदर क्या है कि एक करेक्टर है विजय नाम से, जिसका ड्रीम है कि वो पानी लेके आएगा अपने गांव के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इशू है उनके गांव के अंदर। तो उसके लिए वो एक कबड्डी मैच खेलते हैं, एक टूर्नामेंट खेलते हैं, जिससे जो वहाँ के नेता लोग हैं उनकी अटेंशन जाए उनके ऊपर, जिससे ये सारी चीज़ें वो फुलफिल कर सके। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है एंड इसको आप फ्री में देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मूवी को जरूर देखिएगा। तो थर्ड मूवी है पंगा, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे फ्री में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो वहाँ पर। इस स्टोरी में एक सिंपल एक करेक्टर है जय नाम की, जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, बट शादी के कारण एंड अपने बच्चे के कारण वो कबड्डी को छोड़ देती है। बट उसके बाद उसकी जो फैमिली उसको इंकरेज करती है कि वो दोबारा कबड्डी में जाए, दोबारा कबड्डी प्रैक्टिस करे, एंड वो कुछ अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को और सोसाइटी के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए कबड्डी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करती है। एंड उसके अंदर आप देख सकते हो मूवी के अंदर कि कैसे सारी चीज़ें वो करती है, कैसे वो आगे कबड्डी के अंदर दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करती है। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं जरूर सजेस्ट करूँगा आपको कि मूवी को भी जरूर देखिए, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फ्री में अवेलेबल है। तो जाइए और इस मूवी को भी आप देख सकते हैं। तो फोर्थ है हमारी सन्स ऑफ सॉइल। ये कोई एक मूवी नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो कि अवेलेबल है अमेजोन प्राइम के ऊपर। इसके अंदर पूरी स्टोरी दिखाई गई है जयपुर पिंक पैंथर्स की 2018-19 के अंदर, वो कैसे दोबारा ट्रॉफी जीतने के लिए सारी मेहनत करते हैं, क्या होता है कैमरा के पीछे। आप प्रो कबड्डी लीग के अंदर खाली कैमरा का आई का सीन देखते हैं कि कैसे प्लेयर अपनी वार्म अप वगैरह कर रहे हैं एंड कैसे मैच के अंदर आ रहे हैं, उसके पीछे क्या होता है, उनके रूम्स वगैरह के अंदर कैसे बातचीत होती है, उनके टीम के अंदर आपस में कैसे बातचीत होती है एंड उनकी जो प्रैक्टिस टाइम पर क्या बातचीत होती है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि उनको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाया, उनको मैट से इतनी जल्दी क्यों उतार दिया, सब कुछ इसके अंदर बताया गया कि एक प्रो कबड्डी प्लेयर की लाइफ के अंदर क्या होता है, उनके घर तक का दिखाया गया है कि उनकी लाइफ पहले कैसी थी, बाद में प्रो कबड्डी के बाद कैसी हो गई, सब कुछ इस पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के अंदर बताया गया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जो कि है जयपुर पिंक पैंथर्स की स्टोरी के ऊपर एंड जो उसके प्लेयर्स हैं उस टाइम के उनके ऊपर ये पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बनी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा अमेजोन प्राइम पर आप इसको देखिए। फिफ्थ है सुर सपाटा, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस मूवी के अंदर एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि कैसे कुछ गांव के बच्चे बड़े होकर अपने शहर के अंदर जाते हैं एंड अपने जो फेवरेट गेम है उनका कबड्डी वो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, वो वहाँ पर खेलते हैं। तो इस मूवी के अंदर सारे दर्शाया गया है, इसको आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर एंड ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है एंड काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है इस मूवी के अंदर। तो ये थी हमारी कुल 5 मूवीज़। अगर आपको कोई लगती है कोई मूवी छूट गई या फिर कोई आपको अच्छी मूवी लगती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ये कुछ मेरे को अच्छी लगी तो मैंने 5 यहाँ पर सेलेक्ट किया। और काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, काफ़ी पुरानी मूवीज़ भी है जो कि कबड्डी के ऊपर बेस्ड है, बट मेरे को ये 5 मूवीज़ थोड़ी सही लगी तो मैंने इनको इस वीडियो के अंदर रखा। तो बाकी आपके अकॉर्डिंग और भी कोई मूवी है ऐसी या फिर कोई सीरीज़ है इसके ऊपर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हाँ, मैंने एक एनिमे और देखा था जो कि जापान के अंदर, वो कबड्डी के ऊपर बेस्ड है बट वो जैपनीज़ के अंदर है, बट अगर आप देखना चाहते हो उस एनिमे को तो भी आप देख सकते हो, कबड्डी के ऊपर बेस्ड है वो, जैपनीज़ एनिमे है जो कार्टून टाइप में होते हैं, जो कि आपको इजिली आपको समझ में आ जाए उसके लिए बोला मैंने कार्टून टाइप में, उसको भी देख सकते हो, बट उसके अंदर कबड्डी इतनी एक्चुअल नहीं दिखा रखी है। बट ये जो कुछ सीरीज़ है एंड ये जो कुछ मूवीज़ है इनके अंदर कबड्डी आपको एक्चुअल वे में देखने को मिल जाएगी। तो बाकी कई मूवीज ऐसी भी है जो जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जिसके अंदर कबड्डी कुछ ज़्यादा ही ओवर दिखा रखी है कि एक सिंगल प्लेयर सारे प्लेयर को ऐसे उठा के ले आता है, तो
इस तरीके की मूवीज़ मैंने अवॉइड करी है, इसलिए मैंने ये खा ली है 5 मूवीज़ और 1 डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, लाइक 4 मूवीज़ एंड 1 डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ इसके अंदर मैंने रखी है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, हमें DM कर सकते हैं इंस्टा पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।